दोस्तों 5G का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि यार एटलीस्ट 15 से 20 हजार रुपए के आसपास का फोन होगा, लेकिन ये है लावा की तरफ से आने वाला उनका 5G फोन और वो भी 10 हजार रुपए के अंदर। अब भले ही ये फोन 10 हजार रुपए के अंदर आता है, लेकिन काफी कमाल कमाल के फीचर हैं इस फोन के अंदर। तो जल्दी से एक क्विक वाली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फोन की बात करते हैं। गाइस बॉक्स कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, लावा की ब्रांडिंग ब्लेज यहाँ लिखा हुआ, 5G यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साथ साथ लावा और यहाँ पर लिखा है प्राउडली इंडियन। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे ऊपर और यहाँ पर भी कुछ कुछ। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर मिलेगा एक केस जो कि काफी सही लग रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक अडेप्टर जिसके अंदर 2 USB पोर्ट है और 15W का अडेप्टर है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी टाइप सी की चार्जिंग केबल। इसके साथ फोन में मेन चीज जो मिलनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको फोन मिल जाता है और यहाँ पर मतलब अभी तो पन्नी के अंदर अनरैप कर लेते हैं। गाइस ये है लावा का ब्लेज 5G और यहाँ पर मतलब काफी कमाल की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर देखने मिलती है। अगर मैं पीछे ग्लास से यहाँ पर शुरुआत करूँ क्योंकि यहाँ पर लगता आपको प्लास्टिक है, लेकिन 10 हजार रुपए के अंदर इन्होंने ग्लास पैनल यहाँ पर दिया और काफी प्रीमियम लगता है। एक बार देखो यहाँ पर, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये 10 हजार रुपए के अंदर आने वाला कोई स्मार्टफोन है। और लुक बिल्ड डिजाइन काफी बढ़िया यहाँ पर दे रखी है और जो कलर आ रखा है ना वो भी काफी अमेजिंग है। और इसका जो नाम भी रखा गया ना वो ग्लास ग्रीन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो पीछे देखो यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, 5G की ब्रांडिंग है, लावा लिखा हुआ है और यहाँ पर ये ग्लास पैनल के साथ आता है। साइड में आपको फ्रेम मिलता है पॉलीकार्बोनेट का और उसके साथ में अगर आप देखोगे ना ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स हैं। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन के लिए छेद मिल जाता है, टाइप सी की यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। जबकि साइड में अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। मैंने सेटअप कर लिया है इसको और ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो। गाइस सामने की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा मिलता है और यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर 6.5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं जब डिस्प्ले की बात करें तो अगर मैं चिन्ह की बात करूँ तो ऊपर अगर आप देखोगे तो बेजल्स हल्के फुल्के देखने मिलते हैं और जो चिन्ह है वो बजट के हिसाब से कुछ ऐसी आप लोगों को देखने मिलती है। कंपेयर करोगे तो हाँ थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन बजट के अंदर सही लगती है। मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं इसकी जो सिम ट्रे है ये आपको हाइब्रिड मिलती है। यहाँ पर आप अपनी एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम यूज कर सकते हो एक बार के अंदर। और वहीं अगर बात करूं इस फोन के हैंड फील के बारे में तो मतलब 6.5 इंच की जो डिस्प्ले होती है या फिर जो फोन होता है वो काफी सही रहता है। और वहां पर अगर बात करूँ तो हाथों के अंदर कुछ ऐसे आएंगे, मीडियम हाथों के अंदर काफी सही तरीके से ग्रिप बना लेता है फोन और लाइट वेट भी है, 206-207 ग्राम के आसपास वेट मिल जाएगा इसका। अब गाइस जैसे आप कोई भी स्मार्टफोन पकड़ते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो, कैमरा। तो यहाँ पर हम कैमरा से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको AI ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP का मेन कैमरा, बाकी यहाँ पर AI के जो कैमराज हैं वो दे रखे और यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट भी दे रखी है। वहीं अगर बात करूँ तो सामने की तरफ आपको 8MP का जो कैमरा है वो मिल जाता है। वहीं यहाँ पर हमने कुछ सैंपल शॉट वगैरह यहाँ पर क्लिक करें वो आप देख पा रहोगे, इंडोर में, आउटडोर में, और यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड भी करी है। तो यहाँ पर मैं कुछ सैंपल भी डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फोटोज़ की तो यहाँ पर अगर आप इंडोर की फोटोज़ देखोगे तो फ्रंट कैमरा से जो मैंने क्लिक करी है वो काफ़ी सही आ रही है। मतलब आप बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी फोटोज आते हैं। ज़्यादा अच्छी लाइटिंग कंडीशन हो तो काफ़ी सही आ रही हैं, लो लाइट कंडीशन में कुछ एवरेज फोटोज आपको देखने मिलेंगी। वहीं आउटडोर की बात करूँ तो आउटडोर के अंदर भी सेम सिनेरियो आपको देखने मिलेगा, लाइटिंग अच्छी होगी तो फोटोज भी काफ़ी बढ़िया आती हैं, चाहे मैं फ्रंट की बात करूँ या फिर बैक कैमरा की बात करूँ। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शन है कैमरा के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो कैमरे के अंदर ऑप्शन मिलेगा वो नाइट मोड का है, वीडियो का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और ब्यूटी का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ब्यूटी के अंदर आपको काफ़ी सारे मतलब स्मूथ करने के लिए, सिम करने के लिए, वाइटनिंग करने के लिए जो मोड्स हैं वो दे रखे हैं। और मोर में जाओगे तो गिव, प्रो मोड, पैनोरामा, UHD, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, मैक्रो और इंटेलिजेंट स्कैनिंग का जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो सैंपल्स भी लिए हैं वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए। तो गाइस यहाँ पर हमने बैक कैमरा को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर मतलब EIS ऑन नहीं है अभी और ये मैंने फुल स्ट्रेच कर रखा है, 1080p शूट हो रहा है आउटडोर के अंदर और ऐसी कुछ वीडियो क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जब आप आउटडोर में यूज़ करोगे। और जैसे हम चल गए वैसे हम थोड़ा सा पीछे ही चलते हैं तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये आउटडोर में आ चुका हूं मैं और ऐसी कुछ वीडियो है आउटडोर की और
लाइटिंग कंडीशन काफ़ी सही है यहाँ पर, ऐसा कुछ आउटपुट आपको मिल जाएगा जब आप लाइटिंग में यूज़ करोगे इसको और ये फ्रंट कैमरे से शूट करोगे। इसके बाद हमने EIS ऑन कराया 1080p और यहाँ पर ये कुछ स्मूथ जो फुटेज है वो कुछ ऐसे आप लोगों को देखने मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉपिंग जरूर है लेकिन आपको जो फ्रेम है वो पहले से थोड़ा सा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ सैंपल्स हैं वीडियो के। अच्छा, ये जो फ़ोन है ना ये क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो दूसरी एक्स्ट्रा ऐप्स होती हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो यहाँ पर हमने 90 हर्ट्ज पे इसको स्विच कर लिया था और स्क्रोलिंग आप चेक ही कर पा रहे हो, काफ़ी स्मूथ तरीके से काम करती है और मतलब सही यार 90 हर्ट्ज वो भी 10,000 रुपये के अंदर, ये काफ़ी अमेजिंग बात है। इस मल्टीमीडिया की बात कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने मतलब इसका जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी टेस्ट करके देखा, उसको मैं सैंपल पहले डाल रहा हूँ यहाँ। सैंपल आपने सुन लिया होगा, अब मैं बात करता हूँ इसके ऑडियो की। कुछ कुछ यहाँ पर हल्का फुल्का 3D जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है। वैसे डाउन फायरिंग वन स्पीकर, मतलब एक तरफ ही स्पीकर आते हैं नीचे की तरफ और वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब अब एवरेज हैं, मतलब आप मीडियम से ऊपर मान सकते हो, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन बहुत सही है मतलब इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके SoC की और यहाँ पर जो मतलब प्रोसेसर है वो क्या मिलता है। तो यहाँ पर Dimensity 700 यहाँ पर मिलता है MediaTek का और यहाँ पर जो ये वेरिएंट है 4GB और 128GB के साथ आता है। इसमें एक्सपेंडेबल भी है, 3GB रैम ये एक्सपेंड भी हो जाता है और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि UFS 2.2 भी यूज़ कर रखा है। तो यार यहाँ पर आपको रीड एंड राइट वाली जो स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फास्ट मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो इसी बजट के अंदर आने वाले स्मार्टफोन्स को भी। गाइस बैटरी सेक्शन की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और जिसको चार्ज होने के लिए यहाँ पर क्लेम किया हुआ ब्रांड ने कि लगभग 2 घंटे 50 मिनट के आसपास लगेगा अगर आप 15W के चार्जर से इसको चार्ज करते हो। अब देखो बजट के अंदर अगर आप देखोगे ना घूम फिर के, अगर आप दूसरे डिवाइसेस देखोगे तो वहाँ पर आपको 10 ही वॉट मिलेगा, मतलब 10 वॉट मिल जाए और वो बहुत बड़ी बात है। और इवन कहीं कहीं तो यार टाइप सी नहीं मिलेगा आपको, माइक्रो USB मिलेगा। ये मैं देख चुका हूँ, सेम ऐसे ही एक ब्रांड का फ़ोन है मेरे पास और यहाँ पर आपको माइक्रो USB मिलता है। वैसे ये 6-7 हज़ार रुपये के आसपास है लेकिन अगर आप 11-12 हज़ार तक भी देखोगे तो वहाँ पर लगभग आपको यही सिनेरियो देखने को मिलता है। ये एक 5G फ़ोन है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो बैंड्स हैं अप्रॉक्स 8 जो 5G बैंड्स हैं वो मिलते हैं और इंडिया में जितने 5G बैंड सपोर्ट करने हैं ना वो सारे यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं इस फोन के अंदर। तो 5G रेडी है बिल्कुल ये, और मतलब यार लावा की तरफ से यार 10,000 रुपये के अंदर 5G फोन, ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है और मतलब उनके जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी हैं उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया 10,000 रुपीज के अंदर 5G फोन। इसके बाद अगर बात करूँ तो कंटेंट की बात कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो आप कंटेंट देखने वाले हो उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस में दिखा रहा हूँ आउटडोर के अंदर, कुछ ऐसी ब्राइटनेस है आउटडोर में, इनडोर में जब आप कोई मूवीज या फिर कुछ भी देखते हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको काफ़ी सही रहेगा। इसके साथ साथ वाइड वाइन L1 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है, तो OTT पे जो भी HD कंटेंट देखना चाहते हो वो यहाँ पर आप देख पाओगे। इसके साथ साथ और भी काफ़ी फीचर्स इसके दे रखे हैं। सबसे पहले कमाल का फीचर आपको पता क्या लगेगा, यहाँ पर आप YouTube को मतलब बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हो। ये ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, वैसे ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आपको प्रीमियम देने पड़ते हैं YouTube के लिए। वहीं अगर बात करूं तो यहां पर एक कमाल का और फीचर और है, समझ लो कॉल आती है इसके ऊपर, स्मार्ट पिक करके जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, मतलब कॉल आएगी मेरे को कोई पिक नहीं करना, बस कान से लगाना है अपने आप कॉल पिक हो जाती है, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसके बाद एक और कमाल की चीज़ ये है कि काफ़ी फ़ोन में होता है वैसे ऑप्शन लेकिन इसमें और अच्छा है कि जब आप अपनी पॉकेट वगैरह में फ़ोन को डालते हो तो यहाँ पर आपको एंटी फेक टच का जो ऑप्शन मिलता है जिससे आपकी स्क्रीन पर मतलब कोई भी मतलब ये अनलॉक नहीं होगा या फिर कुछ भी बटन अपने आप प्रेस नहीं होगा। काफ़ी लोगों का मैंने देखा या फिर सुनता हूँ कि अपने आप फ़ोन चलने लगता है या फिर कुछ भी हो जाता है, इवन लॉक भी अपने आप ओपन हो जाता है, वो फीचर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, कुछ भी नहीं होगा मतलब अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो पॉकेट के अंदर खासकर। इसके साथ साथ यार लावा ने इस बार एक कमाल की और चीज़ करी है कि फ्री होम सर्विस यहाँ पर दे रखी है, तो मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आपके घर तक आएंगे वो लोग
और आपका जो फोन है उसमें सर्विस जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब काफी लोगों को पता ही होगा लावा एक इंडियन ब्रांड है और ये फोन भी मेड इन इंडिया, प्राउडली मेड इन इंडिया फोन है ये। और यहां पर अगर बात करूं तो देखो, अब कंक्लूजन की बात करते हैं, 10,000 रुपए के अंदर आपको क्या क्या अच्छी चीज मिलने की बार शॉर्ट में और बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको अच्छा बैक पैनल मिलता है, कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, यहां पर आपको 4GB 128GB मिल रहा है 10,000 रुपए के अंदर, 5G रेडी फोन है। और यहां पर आपको मैंने कमाल कमाल के जो फीचर्स हैं अभी बताए थे वो यहां पर आपको देखने मिलते हैं। तो यार 10,000 रुपए के अंदर अगर आप कहीं भी ढूंढ लेना, मुश्किल आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे फीचर वाला फोन। तो मेरी तरफ से अगर आप देख रहे हो कोई 10,000 रुपए के अंदर कोई फीचर 5G रेडी फोन, तो बिल्कुल इसी तरफ जा सकते हो। बाकी दोस्तों ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन के बारे में, बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर खरीदना है आपको तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके बाय कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।